हाय गाइस, मैं हूं सागर भद्रेजा और आज फिर से है अपने पास नॉइज कलर फिट अल्ट्रा 2। दिस इज द फर्स्ट थिंग आई परचेज फ्रॉम द मनी आई अर्न फ्रॉम यूट्यूब। सो इसको यूज करते करते अपने को 30 दिन से ऊपर हो चुके हैं एंड इसको मैंने कस के यूज किया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक डिटेल रिव्यू दूंगा नॉइज कलर फिट अल्ट्रा 2 के बारे में और आपको पता लग जाएगा कि इसकी छोटी से छोटी अच्छी चीज क्या है और छोटी से छोटी बेकार चीज भी क्या है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ताकि अगर आपको ये नॉइज कलर फिट अल्ट्रा 2 लेनी है या फिर नहीं लेनी तो यू कैन टेक योर डिसीजन इजीली। सो बिना किसी इधर उधर की बातों के हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो आप लोगों को पता ही है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको हमारे चैनल का जो कंटेंट है वो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी जो छोटी सी फैमिली है उसको 10K तक पहुंचा देना फेब एंड तक। सबसे पहले इसकी शक्ल सूरत की बात करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इसका प्योर ब्लैक कलर मंगवाया है, तो हो सकता है कि आपको वीडियो में इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो आपको अच्छे से ना दिखे। बट लेट मी टेल यू, इसमें आपको मेटेलिक फ्रेम का डिजाइन देखने को मिलता है। इसके साथ आपको इसमें 2.5 कर्व ग्लास देखने को मिलता है जो इसको फ्रंट में प्रोटेक्शन तो देता है, इसके साथ इसकी जो लुक है और इसकी जो बिल्ड है वो और भी ज्यादा मस्त बना देता है। इसके अलावा कलर फिट अल्ट्रा 2 के बैक साइड में आपको पॉलीकार्बोनेट का मटेरियल देखने को मिलता है विद ग्लॉसी डिजाइन विच लुक्स प्रीटी कूल। एंड स्ट्रैप्स को देखें तो इसमें आपको 22mm के सिलिकॉन के स्ट्रैप्स देखने को मिलते हैं विद डिसेंट क्वालिटी। सो ओवरऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी एकदम प्रीमियम लेवल की मिलती है और देखने में यानी कि लुक्स में काफी मस्त लगती है। बाकी कलर कौन सा परचेज करना है वो कम्प्लीटली आप पर डिपेंड करता है। अच्छा, इसकी प्राइस की बात करना मैं भूल गया। ये जो मैंने परचेज करी थी वो करी थी मैंने 4,500 रुपये में, क्योंकि इसका जो लॉन्च प्राइस था वो था 4,500 रुपये। उसके बाद मतलब एक दो हफ्ते के बाद इसका जो प्राइस पहुंच गया वो पहुंच गया 5,500 रुपये। उसके बाद ये रिपब्लिक डे सेल आई तो इसके अंदर फिर से आपका 4,500 रुपये जो प्राइस है वो पहुंच गया था। तो मतलब इसका जो प्राइस है वो वेरी करता है 5,500 रुपये या फिर 4,500 रुपये। टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द बिगेस्ट हाईलाइट ऑफ दिस स्मार्ट वॉच, दैट इज इसकी डिस्प्ले। इसमें आपको 1.78 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है और इसका जो पिक्सल साइज है वो है 368x448। तो इसमें आपको कलर्स वगैरह और जो क्वालिटी है ब्लैक्स वगैरह बाकी कलर्स वगैरह देखोगे तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, काफ़ी पंची कलर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम ब्राइटनेस की बात करें तो इसमें 5 लेवल की ब्राइटनेस देखने को मिलती है, जो कि अगर आप आउटडोर में डायरेक्ट सनलाइट में भी चले जाओगे ना तो आपको शेड वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी बेजल्स की बात करें तो इसमें आपको काफ़ी छोटे बेजल देखने को मिलते हैं और इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो काफ़ी बढ़िया है। एमोलेड डिस्प्ले होने की वजह से इसमें आपको AOD यानी कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मिलता है, जिसके अंदर आपको 2 वॉच फेस देखने को मिलते हैं, एक तो है पॉइंटर का और एक है डिजिटल का, जिसकी ब्राइटनेस मुझे थोड़ी सी कम लगी। थोड़ी सी ज्यादा होती ना तो ज्यादा बेटर होता, बिकॉज अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में जाओगे ना तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है AOD की जो स्क्रीन है उसको देखने में। इसके अलावा इसमें रेज टू वेक का फीचर देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छे तरीके से वर्क करता है और इसमें आपको एक और तगड़ा फीचर देखने को मिलता है जो मुझे काफी अच्छा लगता है। जैसे कि अब ये स्क्रीन ऑन है तो इस पर आप एक सेकेंड इसको स्क्रीन ऑन करके अगर आप इस पर थपकी मारोगे ना तो ये बंद हो जाएगी। ये थोड़ी सी जो महंगी वॉचेज है जैसे कि एप्पल वॉचेज उसके अंदर ये फीचर देखने को मिलता है, तो ये फीचर मुझे काफी अच्छा लगा। सो आई वुड से ये जो नॉइज कलर फिट अल्ट्रा 2 है इसकी डिस्प्ले इज करंटली द बेस्ट डिस्प्ले इन दिस प्राइस सेगमेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द UI एंड परफॉर्मेंस ऑफ नॉइज कलर फिट अल्ट्रा 2। वैसे नॉइज की अगर आप जनरली जो वॉचेस होती हैं वो देखोगे तो उसमें आपको UI जो है वो काफी स्मूथ देखने को मिलता है और परफॉर्मेंस आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है। एंड नॉइज कलर फिट अल्ट्रा 2 इज नो डिफरेंट। कलर फिट अल्ट्रा 2 के फीचर्स वगैरह की बात करूं तो वैसे मैं सारे फीचर्स कवर कर चुका हूं इसकी जो अनबॉक्सिंग और क्विक रिव्यू वीडियो थी उसके अंदर, और बाकी जो फीचर्स हैं मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो जनरली जो बाकी स्मार्ट वॉचेज होती है ना इसी प्राइस रेंज में उसके अंदर देखने को नहीं मिलते। वैसे अगर आपने वो अनबॉक्सिंग और रिव्यू वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। इसमें आपको कुछ ऐसे फीचर्स देखने को मिलते हैं जो इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलते, जैसे कि एक तो हो गया कैलकुलेटर का, उसके अलावा हो गया आपको क्विक रिप्लाई का, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आप क्विक रिप्लाई वगैरह कर सकते हो। इसके अलावा आपको स्टॉक्स का फीचर देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, ये पहली बार किसी स्मार्ट वॉच में ऐड हुआ है, जैसे कि आप स्टॉक्स वगैरह है उसको मॉनिटर वगैरह कर सकते हो। और इसमें आपको फ्लैशलाइट का ऑप्शन देखने को मिलता है जिसको आप बिल्कुल अंधेरे में थोड़ी बहुत लाइटिंग वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हो। बाकी इसमें आपको म्यूजिक कंट्रोल और कैमरा कंट्रोल दोनों के फीचर्स मिल जाते हैं। म्यूजिक कंट्रोल आपको इनबिल्ट देखने को मिलता है और जो कैमरा कंट्रोल है वो आपको एप्लीकेशन के थ्रू देखने को मिलता है। अगर आपको इनबिल्ट होता तो ज़्यादा बेटर होना चाहिए था, बिकॉज अगर आप एप्लीकेशन के थ्रू जो कैमरा कंट्रोल है उसको यूज़ करोगे ना तो एप्लीकेशन के थ्रू ही आपका जो कैमरा एप्लीकेशन है वो खुलती है, सिर्फ आप उस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो, आपकी जो फ़ोन की एप्लीकेशन है जो कैमरा एप्लीकेशन है उनको यूज़ नहीं कर सकते। एंड इसमें आपको नोटिफिकेशन का फीचर भी देखने को मिलता है जिसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो कि कौन सी एप्लीकेशन के आपको नोटिफिकेशन स्मार्ट वॉच में चाहिए या फिर नहीं चाहिए, इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो इसकी जो एप्लीकेशन है नॉइस फिट उसके थ्रू। इसके अलावा इसमें आपको कॉलिंग का फीचर तो नहीं
नहीं देखने को मिलता, बट अगर आपको कॉल आए उसका नोटिफिकेशन तो मिल जाता है और उसमें आप क्विक रिप्लाई भी कर सकते हो और रिजेक्ट कर सकते हो। कॉल उठाने का फीचर आपको इसमें नहीं मिलता देखने को। हेल्थ ट्रैकिंग के फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको जनरली जो बाकी स्मार्ट वॉचेज में भी देखने को मिलता है वो सारे फीचर्स तो देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि हार्ट रेट सेंसर, SpO2 सेंसर, इसके अलावा आपको स्लीप मॉनिटर का फीचर देखने को मिल जाता है। बट इसमें आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा देखने को मिलती है जो जनरली जो बाकी स्मार्ट वॉचेज है जो कॉम्पिटिटर्स हैं उसमें देखने को नहीं मिलती, दैट इज स्ट्रेस मॉनिटरिंग। ये सारे फीचर्स काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करते हैं एंड काफ़ी एक्यूरेटली वर्क करते हैं। ये जो हार्ट रेट सेंसर है, SpO2 सेंसर है, इनको मैंने ऑक्सीमीटर के साथ कंपैरिजन करके देखा था तो काफ़ी अच्छी तरीके से और काफ़ी एक्यूरेटली रीडिंग देते हैं। बट मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि जैसे इमरजेंसी के टाइम हो तो आप ये स्मार्ट वॉचेस पर रिलाय मत करना, अपना जो मेडिकल इक्विपमेंट है उसको ही यूज करना। एक हेल्थ ट्रैकिंग फीचर मुझे इसमें मिसिंग लगा जो कि है वुमेन वेलनेस का। इसमें अगर वुमेन वेलनेस का फीचर होता ना तो एक प्लस पॉइंट हो सकता था। बाकी अगर हम इसके सरफेस फ्रेंडली की बात करें तो ये सरफेस फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज अगर आप इसको सरफेस वगैरह पे रखोगे, सोफा वगैरह पे रखोगे तो ये रीडिंग वगैरह बिल्कुल नहीं लगा। और इसके अलावा आपको एक पॉपअप भी देखने को मिल जाता है कि वियर द स्मार्ट वॉच प्रॉपरली। कलरफिट अल्ट्रा 2 की अगली चीज पे जाने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप अभी तक हमारी जो ये वीडियो है वो देख रहे हो और आपको वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ये पूरी देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर वगैरह कर देना। और अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब वगैरह करके हमारी फैमिली में ज्वाइन हो जाना। नेक्स्ट, इफ यू टॉक अबाउट द फिटनेस ट्रैकर्स और स्पोर्ट्स मोड, तो इसमें आपको 60 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं जो कि अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज्ड हैं। और इसमें आपको काफी हद तक सारे स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो रनिंग हो, चाहे वो जॉगिंग हो, इसके अलावा आपको जो क्रिकेट खेलना है, बैडमिंटन खेलना है, ऐसे भी आपको स्पोर्ट्स मोड सारे देखने को मिल जाते हैं। पेडोमीटर की बात करें तो इसमें स्टेप्स वगैरह अच्छी तरीके से काउंट होते हैं, एक दो स्टेप्स इधर उधर हो सकते हैं बट काफी हद तक एक्यूरेटली काउंट होते हैं। इस मामले में मुझे दो चीजें थोड़ी सी बेकार लगी, मतलब बेकार तो नहीं बोलूंगा बट ये होता है कि अगर वो चीजें होती तो एक प्लस पॉइंट हो जाता। एक तो अगर आप इसका पेडोमीटर ऑन करके आप चलना शुरू करोगे तो यहां पर जो लाइव अपडेट है वो नहीं होता, जब आपकी स्क्रीन बंद हो जाएगी उसके बाद अपडेट हो जाएंगे, फिर अगर आप ऑन करके रखोगे फिर अपडेट नहीं होगा। तो ऐसे ये चीज़ होनी चाहिए थी, अगर लाइव आपके अपडेट होते तो ज़्यादा अच्छा होता। इसके अलावा इसमें आपको एक चीज़ और है, इसमें आपको इनबिल्ट GPS देखने को नहीं मिलता। जी हाँ दोस्तों, ये जो आपका फ़ोन का GPS है उसको यूज़ करता है। नॉइज़ कलरफिट अल्ट्रा 2 के बैटरी सेक्शन की बात करो तो यहाँ मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिली, बिकॉज इसमें आपको 180mAh की बैटरी देखने को मिलती है जो कि मेरे हिसाब से थोड़ी सी कम है, बिकॉज इसमें इतनी बड़ी स्क्रीन देखने को मिलती है। इसके अलावा आप देखोगे तो इसमें AMOLED स्क्रीन है तो AOD का फीचर वगैरह भी देखने को मिलता है। तो फीचर जो इतने सारे हैं इसके साथ आप बैटरी भी थोड़ी सी ज्यादा देते ना, जैसे 250 तक भी देते ना, 250mAh तक की बैटरी दे देते तो भी बेटर होता, बिकॉज कंपनी क्लेम करती है कि इसमें आपको 7 दिन का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। बट मैं अपने यूसेज की बात करूं तो मैंने इसको मॉडरेट यूज करा, तब भी इसकी जो बैटरी है वो 4 से 5 दिन, मैक्सिमम 5 दिन जाएगी, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। और अगर आप इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला जो फीचर है वो ऑन कर लोगे, अगर आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला जो फीचर है वो पूरे टाइम ऑन रहेगा तो इसकी जो बैटरी है वो 2.5 दिन से ज़्यादा नहीं जाएगी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 दिन चली जाएगी, बट इससे ज़्यादा आपको 1 मिनट भी देखने को नहीं मिलेगा। कुछ और चीज़ों की बात करें तो नॉइज़ कलरफिट अल्ट्रा 2 में जो ब्लूटूथ वर्जन मिलता है वो आपको मिलता है 5.1 का, तो आपको कनेक्टिविटी के मामले में कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होने वाली। और इसमें आपको IP68 की वाटर रेजिस्टेंट की रेटिंग देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, ना ही 580m ना ही 380m, बिकॉज मैं अनबॉक्सिंग की वीडियो में थोड़ा सा कंफ्यूज था कि IP68 है या फिर 380m है, बट मैं अब क्लियर हो चुका हूँ कि इसमें आपको IP68 की रेटिंग देखने को मिलती है। तो इसको आप पहन के स्विमिंग वगैरह तो नहीं कर सकते बट शावर वगैरह ले सकते हो, बाकी बारिश वगैरह में ये सहलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको उसमें, बट स्विमिंग वगैरह नहीं कर सकते आप इसको पहन के। सो नाउ लेट्स कंक्लूड दिस वीडियो। अगर आपको ये जो वॉच है नॉइज़ कलरफिट अल्ट्रा 2 ये आपको ऑफर या सेल में 4,500 रुपये की मिल रही है और अगर आपका इतना बजट है तो मैं आपको बोलूंगा कि आंख बंद करके भाई ये वाली जो वॉच है ये परचेज कर लो, बिकॉज इट इज़ दी बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्ट वॉच। अदरवाइज अगर आपका इसको जो रेट है वो आपको 5,500 रुपये मिल रहा है और आपको कोई भी ऑफर या फिर सेल नहीं आ रही है आसपास, तो आप इसको परचेज करने की सोच सकते हो, इट इज़ स्टिल वैल्यू फॉर मनी। बट अगर आपको जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो अदर ऑप्शंस हैं, उसको एक्सप्लोर एक बार जरूर करना चाहिए। सो दोस्तों, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने सारे दोस्तों का शेयर वगैरह जरूर कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज आपके लिए लाते रहेंगे। मिलता हूँ आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग न्यू प्रोडक्ट्स एफर्टलेसली।